वेलकम टू द चैनल आरबी फैंटेसी 7। आज के वीडियो में हम बात करने वाले एनबीए लीग का जो मैच खेला जाने वाला है डैलस मैवरिक्स वर्सेस मिनेसोटा टिम्बरवोल्व्स के बीच में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइनअप में जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको दी जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आपको ऑलरेडी देकर रखी है कमेंट बॉक्स में, जाकर लिंक पर क्लिक कर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि फाइनल टीम और सारे अपडेट्स आपको वहीं मिलेंगे। बात करेंगे आज के मैचेस के बारे में। ये जो सेमीफाइनल का शायद आज का लास्ट मैच भी हो सकता है, क्योंकि 7 मैचेस की सीरीज होने वाले सेमीफाइनल के, जो टीम 4 मैच विन करेंगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। और ऑलरेडी 3 मैच डैलस मैवरिक्स विन कर चुकी है। अगर आज का मैच डैलस विन करती है तो ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे और बोस्टन ग्लिटर्स के साथ इनका फाइनल मैच खेला जाएगा। इन दोनों टीम में से जो भी विनर होगा वो फाइनल विन करेगा। लेकिन मिनेसोटा के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, कंटिन्यूसली इनको 4 मैचेस जीतने, यानी आज का जो मैचेस है इनके लिए डू और डाई मैचेस है और अगले आने वाले 3 मैचेस भी इनके लिए डू और डाई रहेंगे अगर आज का मैच विन करती है। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है मिनेसोटा को यहाँ पर ये सीरीज़ विन करना। डैलस यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि यहाँ पर मिनेसोटा आज के मैचेस में कमबैक कर सकती है, क्योंकि सारे जो मैचेस है वो क्लोज मार्जिन वाले मैचेस हुए, इतने ज़्यादा हाई मार्जिन वाले मैचेस नहीं हुए। और मिनेसोटा ने काफ़ी ज़्यादा एक दो मैचेस ऐसे रहे कि जहाँ पर एक दो पॉइंट के मार्जिन से लॉस किए। मिनेसोटा बहुत अच्छी टीम है डिफेंस में, इनका जो डिफेंस सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसी के चलते यहाँ पर आपको हर एक मैचेस में क्लोज स्कोरिंग गेम देखने को मिला है इन दोनों टीम के बीच में भी। ओवरऑल बात करेंगे टीम की तरफ से स्टार्टिंग लाइनअप और उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट प्लेयर। डैलस की तरफ से लुका डोंचिच, इनके तरफ से गेम टाइम डिसीजन है इनके ऊपर, लेकिन हर एक मैचेस में यहाँ पर इनके ऊपर गेम टाइम डिसीजन रहा है, क्योंकि एंकल स्प्रेन की वजह से यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता था कि यहाँ पर ये कुछ कम टाइम खेल सकते हैं, लेकिन रेगुलरली अपना जो मेन टाइम है वो खेल कर चले जा रहे हैं। और आज का शायद इनके लिए लास्ट मैच भी रहेगा और उसके बाद इनको रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि अगले कुछ आने वाले मैचेस में यहाँ पर मैचेस नहीं रहेंगे तो वहाँ पर रेस्ट मिलेगा। तो आज का मैच ये प्लेयर आपको खेलता हुआ देखने को मिलेगा। कैली इरविंग स्टार्ट करेंगे शूटिंग गार्ड पोजीशन से, डेरिक जॉन जूनियर स्मॉल फॉरवर्ड पावर फॉरवर्ड पोजीशन से, पीजे वाशिंगटन सेंटर पोजीशन से स्टार्ट करते हुए देखने को मिलेंगे आपको गोफर। ये इस टीम की तरफ से स्टार्टिंग लाइनअप है। टीम के जो मेन प्लेयर है वो है यहाँ पर लुका डोंचिच और यूनिवर्सल कैप्टनसी चॉइस के लिए सबसे अच्छी चॉइस। वाइस कैप्टनसी चॉइस के लिए थोड़े से रिस्की है और डिफरेंशियल पिक आपके लिए रहेंगे कैली इरविंग, इनको यहाँ पर आप अपनी टीम में पिक कर वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना। ये दोनों प्लेयर इस टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर और मोस्टली यही दोनों प्लेयर है जो अपने टीम की तरफ से ज़्यादा शूटिंग में शॉट्स लेते हैं। ओवरऑल बाकी के जो प्लेयर है वो ग्रैंड लीग के लिए अच्छे सजेशन रहेंगे, डेरिक जॉन जूनियर रहे या फिर पीजे वाशिंगटन रहे। गोफोर्ड को सजेस्ट करूंगा, इनको यहाँ पर आप स्मॉल लीग के लिए लेकर चले जाना, क्योंकि ऑलरेडी आज के मैचेस में डेरिक लेवली अवेलेबल नहीं है, तो गोफोर का रोल आज के मैचेस में इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट मैचेस में भी इनकी तरफ से शूटिंग से और फंटासी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा अच्छे पॉइंट आए नहीं थे, लेकिन टीम के लिए बहुत अच्छा डिफेंस कर दिया था, जिसमें 3 ब्लॉक और 1 स्टील के चलते अच्छा अपने टीम के लिए वर्क रहा था। गोफोर का लास्ट मैचेस का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, रेगुलरली जो परफॉर्मेंस आता है वो कैली इरविंग और लुका डोंचिच की तरफ से आता है। पीजे वाशिंगटन कंटिन्यूसली एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं। डेरिक जॉन जूनियर ग्रैंड लीग के लिए ये दोनों आपके लिए एक डिसेंट सी चॉइस रहेंगे। क्रेडिट से ओवर में डेरिक जॉन जूनियर अवेलेबल रहेंगे, क्रेडिट अवेलेबल है तो पीजे वाशिंगटन को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, लेकिन ओवरऑल की जो टीम की डिपेंडेंसी है वो इन दोनों प्लेयर के ऊपर है और यही दोनों प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। गोफोर एज ए सेंटर प्लेयर खेलेंगे, इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इनके ब्लॉक जो है तो वो बहुत अच्छे रहते हैं और हर एक मैचेस में 2-3 ब्लॉक आपको ये निकाल कर देखेंगे। टीम की तरफ से जो बैंक स्ट्रेंथ है जेम्स हार्डी, इनको ट्राई कर सकते हो। जॉर्ज ग्रीन भी एक 6 क्रेडिट का प्लेयर है जो डिसेंट सी चॉइस आपके लिए रहेंगे और आज के मैचेस के लिए डेरिक लेवली अवेलेबल नहीं थे, इनकी जगह पर आपको पोवेल बैंसी खेलते देखने को मिलेंगे, तो 4.5 क्रेडिट में अगेन आपके लिए एक डिसेंट सी चॉइस रहेंगे। तो इन प्लेयर को चाहो तो आप अपनी टीम में ट्राई कर लेना। ये तीनों प्लेयर जो थे यहाँ पर आपको बैन से खेलते हुए देखने को मिलेंगे, डिफरेंशियल पिक करेंगे। पोवेल ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेयर लास्ट टीम मैचेस में खेला है, लेकिन लेवल अनअवेलेबल हो तो पोवेल आपको बैन से खेलते हुए देखने को मिलेंगे। 7-8 मिनट ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको ये आज के मैचेस के लिए खेलते हुए देखने को मिलेंगे। मिनेसोटा की तरफ से अगर स्टार्टिंग लाइनअप देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है माइक कॉनली रेगुलरली परफॉर्म देकर आ रहे हैं, एंथनी एडवर्ड, मैकडेनिस पावर फॉरवर्ड पोजीशन से कैली एंथनी टाउंस और सेंटर पोजीशन से रूबी गोवर्ड। टीम का डिफेंस ओवरऑल सबसे अच्छा रहा है कंटिन्यूसली, इस टीम ने डिफेंस में बहुत अच्छा वर्क किया है, लेकिन इस टीम की जो वीकनेस है
वो है यहाँ पर शूटिंग शूटिंग बहुत ज़्यादा पुअर रही, थ्री पॉइंटिंग शूटिंग इतनी अच्छी रही नहीं। काइली टाउन्स के लास्ट मैचेस के अगर यहाँ पर आप थ्री पॉइंटिंग देखेंगे तो 8 इन्होंने थ्री पॉइंटर ट्राई किए थे जहाँ से इनकी तरफ से एक भी कनेक्ट हुआ नहीं था, तो बहुत ज़्यादा वीक इनके यहाँ पर थ्री पॉइंटर शूटिंग रही थी। जो मेन प्लेयर है वो थ्री पॉइंटिंग शूटिंग अच्छा कर नहीं पाए थे। ओवरऑल टीम का जो मेन प्लेयर रहेगा वो रहेगा एंथनी एडवर्ड। ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए अच्छी चॉइस, ग्रैंड लीग के लिए इसलिए क्या हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इस प्लेयर की क्रेडिट बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनको अपने टीम में पिक कर सकते हो तो इनको वाइस कैप्टन या फिर कैप्टनसी चॉइस भी आप अपने टीम में रख लेना। माइक कॉनली का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। डेनियल मैकडेनियल एक ऐसा प्लेयर है जो लास्ट के कुछ मैचेस में आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस देकर नहीं दिया है, लेकिन एक ऐसा प्लेयर है जो आपको डिफेंस में भी अच्छे पॉइंट देगा, शूटिंग में भी अच्छे पॉइंट देगा और स्पेशली इनकी थ्री पॉइंटिंग शूटिंग अच्छी रहती है। तो मैकडेनियल्स को आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। लास्ट मैचेस में डिफेंस में कुछ खास नहीं लेकिन शूटिंग से डिसेंट सा परफॉर्मेंस रहा है तो मैकडेनियल्स आपके लिए एक डिफरेंशियल और अच्छी चॉइस रहेंगे। रूबी गोबर्ट हो सकता है आज के मैचेस में शायद आपको इतना ज़्यादा गेम में इन्वॉल्व देखने को ना मिले क्योंकि सामने वाली टीम में अगर पोवेल आते हैं तो रूबी गोबर्ट के सामने आपको नाइजो रीड जो कि बेंच प्लेयर है वो शायद एक डिसेंट सा टाइम आज के मैचेस में खेलने को देखने को मिलेगा, क्योंकि सामने वाली टीम के पास अगर ज़्यादा हाइटेड डिफेंस नहीं होता है तो फिर यहाँ पर नाइजो रीड को ज़्यादा टाइम मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर सामने वाली टीम अगर हाइटेड डिफेंस को उतरते कोर्ट पे तो फिर रूबी गोबर आपको एक अच्छा टाइम खेलते देखने को मिलेंगे। ओवरऑल रूबी गोबर का परफॉर्मेंस डिसेंट सा रहा है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर आज के मैचेस में रहेंगे मुझे लगता है मैकडेनियल को आप लेकर चले जा सकते हो, काया के टाउन्स को भी आप अपने टीम में रख सकते हो, एंथनी वोलियर अगर क्रेडिट अवेलेबल तो इनको भी ट्राई कर लेना, माइक कॉनली सभी प्लेयर अच्छे, सभी प्लेयर को आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। बस रूबी गोबर्ट ही एक ऐसा प्लेयर है जिनके बारे में मेरी प्रेडिक्शन है कि आज के मैचेस में शायद आपको ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस देकर ना दे। टीम की तरफ से जो बैंस टेन थे बैंस से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है यहाँ पर नाइजो रीड, बाकी की जो प्लेयर है काइली एंडरसन लास्ट मैचेस में शूटिंग अच्छी रही थी और स्पेशली ये डिफेंस अच्छा कर लेते तो इनको आप अपने टीम में रख लेना। अलेक्जेंडर वर्कर थ्री पॉइंटर शूटर है, जिस दिन इनकी थ्री पॉइंटर शूटिंग कनेक्ट होंगी उस दिन आपको बहुत अच्छे पॉइंट देंगे। ग्रैंड लीग के लिए डिसेंसी चॉइस ये तीन प्लेयर है जिनको बैंस रोटेशन से यूज़ किया जाता है। फर्स्ट और बेस्ट चॉइस रहेंगी नाइजो रीड, उसके बाद सेकंड बेस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेगा काइली एंडरसन और अलेक्जेंडर वालकर, तो इन दोनों को आप अपने ग्रैंड लीग टीम में रख सकते हो। ओवरऑल जो है यहाँ पर मेरी फाइनल टीम रहेंगी, सबसे पहले जो सेफ टीम है लुका डोंसिक और काइली इरविंग जो रेगुलरली परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं, टीम की तरफ से मोस्ट ऑफ द शॉट्स यही लेते हैं। आज का मैच ये दोनों प्लेयर अपने होम कोर्ट पर खेलने वाले तो दोनों को मैंने अपने टीम में रखा है। स्मॉल फॉरवर्ड पोजीशन से काइली एंडरसन को रखा है, पावर फॉरवर्ड सेक्शन से के टाउन्स को रखा है, सेंटर पोजीशन से मैंने अपने टीम में रखा है गोफर और उसी के साथ साथ यहाँ पर नाइजो रीड को मैंने अपने टीम में रखा है। बचेंगे 19.5 क्रेडिट जहाँ पर आप अपनी टीम में सीधा सीधा माइक कॉनली को भी ले सकते हो। रूबी गोबर्ट को लेना चाहते हो तो रूबी गोबर्ट और पोवेल के साथ ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ये फिलहाल एक डिसेंट सा ऑप्शन मुझे लग रहा है और बहुत ज़्यादा सेफ्टी में ज़्यादा कोई रिस्क लिया नहीं, सभी जो प्लेयर है वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बस मेरी जो प्रेडिक्शन रही थी आज के मैचेस के लिए कि ये कि रूबी गोबर्ट शायद आज का मैच फ्लॉप हो सकते हैं तो उसकी जगह पर शायद मैं अपनी फाइनल टीम में एक चेंजेस कर लूँगा, पावल और रूबी गोबर्ट इन दोनों को निकालकर जो 19.5 क्रेडिट बचेंगे वहाँ पर मैं अपनी टीम में मैकडेनियल्स को ले लूँगा। 9 क्रेडिट में कोई अच्छा प्लेयर शायद ही नहीं मिलेगा तो यहाँ पर मैकडेनियल्स की जगह पर अगर यहाँ पर आप चाहो तो माइक कॉनली को भी रख सकते हो। 7.5 क्रेडिट में आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे जेफ ग्रीन का, इनको आप अपने टीम में रख लेना। फिलहाल जो फाइनल अपडेट है वो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट जो आपको मिलेंगे वो टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन अभी के लिए जो फिलहाल मेरी एक डेमो टीम टीम है वो यही है और यही मुझे यहाँ पर सेफ टीम लग रही है। एक टीम में आप रिस्क ले सकते हो अगर ग्रैंड लीग के लिए खेल रहे हो तो लुका डोंसिच टू फ्लॉप, इस पर आप रिस्क ले लेना। अगर लुका डोंसिच फ्लॉप हो जाता है तो आपकी टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनेगा और इसी टीम के साथ एक और मेरा रिस्की कॉम्बिनेशन है जहाँ पर काइरी इरविंग टू फ्लॉप का कॉम्बिनेशन है, वो भी यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर आप रूबी गोबर्ट को निकाल लीजिए, काइरी इरविंग को निकाल लीजिए, एंथनी एडवर्ड आपके टीम में आ जाएंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैकडेनियल्स आपके टीम में आ जाएंगे, ये भी कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पोवेल की जगह पर जो रेगुलरली परफॉर्मेंस देकर आ रहे जेम्स हार्डी, इनको आप अपने टीम में रख सकते हो। दो ही प्लेयर इस टीम की तरफ से रखे क्योंकि यहाँ पर काइली इरविंग फ्लॉप हो रहे और डेरिक जॉन जूनियर को चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये जो सारे प्लेयर है ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है और रेगुलरली परफॉर्मेंस देकर आ रहे तो इनको ड्रॉप करना भी थोड़ा सा रिस्की रहेगा और ये कॉम्बिनेशन शायद मैं अपने स्मॉल लीग टीम में भी रखने वाला हूँ। तो स्मॉल लीग टीम के लिए ये मेरी यहाँ पर सबसे अच्छी टीम मुझे यहाँ पर लग रही है। फर्स्ट वाली टीम भी अच्छी है लेकिन वो थोड़ी सी यहाँ पर सेफ्टी में क्लैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है,
काइली इरविंग आपकी टीम में आ जाएंगे, रूबी गोबर्ट आपकी टीम में आ जाएंगे, तो वो आपके लिए एक सेफ कॉम्बिनेशन रहेगा। उसे चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है लास्ट मैचेस से तो एंथनी एडवर्ड की तरफ से एक अच्छा परफॉर्मेंस आता हो आपको देखने को मिलेगा। पिछले कुछ मैचेस में से परफॉर्मेंस आए ना, तो इस पर मैंने रिस्क लिया है और वाइस कैप्टन भी बना रहा हूँ। कैप्टन जो रहेंगे वो रहेंगे लुका डोंसिक, और एक ग्रैंड लीग के लिए टीम आपकी ऐसी बनाओ जहाँ पर लुका डोंसिक को निकाल कर आप अदर कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेना। अगर लुका डोंसिक फ्लॉप हो जाते हैं तो सीधे सीधे यहाँ पर परफॉर्मेंस किसकी तरफ से आएगा, एक तो यहाँ पर कायरी इरविंग आपको परफॉर्मेंस देकर देंगे डैलेस की तरफ से, डैलेस की तरफ से आपको डेरिक जॉन जूनियर से या फिर पीजे वाशिंगटन की तरफ से परफॉर्मेंस आता है देखने को मिलेगा। गोफर आपको शायद डिफेंस में कुछ अच्छे पॉइंट निकाल कर दे देंगे, और बैन से जेम्स आरडी की तरफ से आपको परफॉर्मेंस आता है देखने को मिलेगा। इन प्लेयर इन कॉम्बिनेशन के साथ आप अपने ग्रैंड लीग टीम ट्राई कर लेना। ये भी मुझे यहाँ पर फिलहाल के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए रहेगा क्योंकि लुका डोंसिच सबके पास रहेगा, सकवा कैप्टन रहेगा, लेकिन इंजरी इशू चल रहा है, मैच बहुत ज़्यादा वन साइडेडली हो गया है तो फिर रेस्ट दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मैच वन साइडेडली होना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा यहाँ पर सेमीफाइनल के मैचेस में ऑलमोस्ट यहाँ पर इम्पॉसिबल जैसा है। बाकी कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो, नाइजोरियल को आप अपनी टीम में रख लेना, मैकडेनियल को आप अपनी टीम में रख लेना, अगर आपको लगता है एंथनी एडवर्ड अच्छा करेंगे तो एंथनी एडवर्ड को आप अपने टीम में रख लेना। इसी कॉम्बिनेशन के साथ पीजे वाशिंगटन को निकल कर आप अपने टीम में रूबी गोबर्ट को रख सकते हो। 12.5 क्रेडिट में माइक कॉनले भी आपके टीम में आ जाएंगे, तो ये एक कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गोफर और उसी के साथ साथ एयरविंग, ये दोनों आपकी टीम में आ जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं मैकडेनियल्स की जगह पर या फिर माइक कॉनली की जगह पर अपनी टीम में यहाँ पर रखना चाहता हूँ पीजे वाशिंगटन को, लेकिन उसके लिए क्रेडिट अलाउड नहीं करते, 13.5 क्रेडिट की है प्लेयर है। ये ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए कॉम्बिनेशन, स्मॉल लीग की टीम प्लस यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम, दोनों टीम मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। जो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट रहेंगी वो रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर। होप गाइज यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू हैव देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।